हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल 1 to 4 में। दोस्तों, अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है और अपने काम पर जाने, ऑफिस आदि जगह जाने में परेशानी होती है या लेट हो जाते हैं, तो चलिए आज एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ख़तरनाक अलार्म ऐप है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग की सब्सक्राइब बटन होगी, जिसे क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने ये प्ले स्टोर ओपन कर लिया। यहाँ पर हमें सर्च करना है अलार्मी। ये हमें सबसे पहली एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करनी है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए, मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसकी डाउनलोड से देख सकते हैं 1 मिलियंस है, जो कि बहुत बढ़िया डाउनलोड मानी जाएगी। 4.7 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। इसकी कुछ थंबनेल्स पिक्चर भी हम देख सकते हैं, ये इसकी थंबनेल्स पिक्चर हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने अलार्मी ऐप को ओपन कर लिया। हमें सबसे पहले ऐड अलार्म में जाना है। ये हमें यहाँ पे अपना टाइम दे देना है, कितने बजे हमें जगना हो। मैं जनरली 5 बजे उठता हूँ मॉर्निंग पे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाना होता है। मैंने इसको 5 बजे टाइम दे दिया कि 5 बजे बजना है इसको। ये 5 AM मॉर्निंग का टाइम दे दिया, रिपोर्ट दे दिया, जैसे हमें अपने काम पर, कॉलेज, स्कूल, मंडे ट्यूसडे सप्ताह के 6 दिन जाना होता है। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। संडे को मैंने रहन दिया, खाली छोड़ दिया, ओके कर दिया। रिंगटोन, यहाँ पे हमें रिंगटोन दे सकते हैं, म्यूजिक रिंगटोन दे सकते हैं, लाउड रिंगटोन भी दे सकते हैं, हमें जो रिंगटोन यूज करनी हो। जनरली अपन लाउड रिंगटोन यूज करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग पे उठने का मन नहीं करता, इसलिए ज़्यादा लाउड रिंगटोन रहेगा तो जल्दी उठ जाएंगे। तो हमने जब जनरली यहाँ पर रिंगटोन ही यूज की है। अब यहाँ पे हमने वाइब्रेट भी दे सकते हैं अपने मोबाइल रिंगटोन के साथ, जो अपन का अलार्म रिंगटोन है उस पर वाइब्रेट भी दे सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर्स दोस्तों इस ऐप का है कि अलार्म ऑफ मेथड। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखते हैं डिफ़ॉल्ट, ये जनरली जब अलार्म बजता है तो हमें उठकर इसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन टेक पिक्चर, इसका मतलब ये है कि जब तक हम एक इससे पिक्चर नहीं क्लिक कर लेते हैं, तब तक ये अलार्म नहीं बंद होने वाला है। जब हम इसमें पिक्चर खींच लेंगे तब इससे अलार्म बंद हो जाएगा। इसी प्रकार सेक का मतलब ये है कि दोस्तों, कि जब तक हम अलार्म बजेगा और जब तक इसे हम हिलाएंगे नहीं, तब तक ये फ़ोन अलार्म नहीं बंद होगा। इसे मैं अब सेट कर लेता हूँ 25, 30, मैंने यहाँ 30 बार सेट कर दिया। जैसे ही अलार्म बजेगा तो हमें इस फ़ोन को 30 बार हिलाना होगा। चलो हम इसको ओके कर लेते हैं। मैथ प्रॉब्लम, यहाँ पर इजी प्रॉब्लम है, इजी है, हार्ड है, वेरी हार्ड, जिस तरह की प्रॉब्लम आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसको जब तक हम इसकी, जैसे 3+8, इसका जब तक हम आंसर नहीं देंगे तब तक ये अलार्म नहीं ऑफ होने वाला है। इस प्रकार हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा, तब ये अलार्म ऑफ होगा। तो इसको मैं रहन देता हूँ। इसके बाद बार कोड है, यहाँ पे कैमरे से हम एक बार कोड को पहले से ही फ़ोटो खींच कर अपन यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद जब अलार्म बजेगा तो हमें अपने बार कोड को स्कैन करना होगा, तब ये अलार्म बंद होगा। इसको भी मैं यहाँ भी रहन देता हूँ, मैं सिर्फ सेक मोड को ऑन करूँगा। ओके कर दिया। इस प्रकार मैंने इस अलार्म को ओके कर दिया। ये देखिए, 5 बजे का एक अलार्म सेट हो चुका है। दोस्तों, चलते हैं इसकी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग पे हमने देखा ये अलार्म वैल्यूम जो वैल्यूम अपन इसको देना चाहे वो दे सकते हैं। फुल, हाफ वैल्यूम, ये फुल वैल्यूम, इसको मैंने ओके कर दिया। इसके बाद मैंने देखते हैं अपन लोकेलिटी, इसको मैं ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ। स्नूज दे सकते हैं, स्नूज ड्यूरेशन दे सकते हैं, जैसे 1 मिनट है, 5 मिनट, मैं 5 मिनट देना चाहूँगा कि एक बार बजने के बाद ये रिपीट 5
मिनट बाद फिर से हो, फिर से बजे, तो मैंने 5 मिनट सेट कर दिया। पिक्चर सेंसिटिविटी, पिक्चर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो मैंने पिछली बार अपने अलार्म ऑफ मेथड में जो पिक्चर लेनी है वो नॉर्मल लो या हाई हो। जैसे हमने हाई पिक्चर जब तक हम नहीं लेंगे तब तक अपना अलार्म नहीं ऑफ होने वाला। इस प्रकार मैं यहाँ पे नॉर्मल ही लेता हूँ जो कि ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी ऑफ हो जाएगा। और सेक डिफ़िकल्टी पे जाते हैं। यहाँ पर सेक डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि जैसे कभी अलार्म बजा और हम बेड पे लेटे लेटे ही फ़ोन को हिला देते हैं तो अलार्म नहीं बंद होगा। इसी प्रकार हम जैसे नॉर्मल हाई कॉल, हाई हो गया, लो हो गया, जो अपन सेक करना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ नॉर्मल ही करूँगा, इसको सेट कर दिया। इस प्रकार हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम एक अलार्म को, इस अलार्म ऐप को यूज करके हम अपने मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।